For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. ऐड-हॉक है मेरा नाम, मुझे इसी नाम से बुलाया जाता है। ऐड-हॉक होने ही नहीं चाहिए। जब हमारे गैजेट में ये लिखा है कि 4 महीने तक कोई पोस्ट खाली है उस पर आप ऐड-हॉक रखिए और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए, तो हमारा एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है? मुझे 10 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते। एडहॉक टीचर का जो है, आप समझ लीजिए कि उसका उसको बेसिक सैलरी पर रखा जाता है। जो स्थायी शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनका जो बेसिक सैलरी है वही बेसिक सैलरी एडहॉक की होती है। हालांकि उसमें कोई सालाना इंक्रीमेंट नहीं है। जो परमानेंट टीचर को सालाना इंक्रीमेंट है, परमानेंट टीचर को कई सारी छुट्टियां हैं, परमानेंट टीचर के लिए LTC HTC जैसे प्रावधान भी हैं, उनका मेडिकल है, बहुत सारे फैसिलिटी हैं जो परमानेंट टीचर को हैं लेकिन एडहॉक को नहीं है। लेकिन गेस्ट टीचर का मतलब है पर क्लास उनको मिलना। अगर वो जैसे छुट्टियों का पीरियड होगा उसमें उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, और वो पैसा कितना है? 1500 रुपये प्रति क्लास, और जिसमें मैक्सिमम वो 50,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। ऊपर से हर 4 महीने के बाद हमें बहुत से कॉलेजेस में इंटरव्यू फेस करने पड़ते हैं। हर बार 4 महीने बाद उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वी आर एलिजिबल टू टीच और नॉट। हर बार यही होता है, हर 4 महीने के बाद आपको इंटरव्यू देना है, हर 4 महीने के बाद इंटरव्यू देना है। आप कब से लोग आस लगाए बैठे हैं यहाँ पे, सोचिए 20-20 साल से लोग यहाँ पे एडहॉक पे काम कर रहे हैं। जोर से बोलो मार्च ऑन, जोर से बोलो मार्च ऑन। सिस्टम जो है ये हिंदुत्व और ये कॉर्पोरेटाइज प्रोजेक्ट है। सारे सिस्टम को प्राइवेटाइज करने का प्रोजेक्ट है। हायर एजुकेशन को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि देखिए अगर हायर एजुकेशन प्राइवेटाइज होता है वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, तो ये दलित जो बहुजन समाज है उस पर एक बहुत बड़ी लात है। फर्स्ट जनरेशन जो दलित बहुजन समाज की फर्स्ट जनरेशन जो है वो आगे आई है अभी अकेडमिक्स में, समझ रहे हैं ना आप, आगे आई है वो अकेडमिक्स में, वो पढ़ा रही है। तो उनको पता है कि अगर ये परमानेंट हो गए, ये तो बहुत जागरूक हो रहे हैं लोग, अगर ये परमानेंट हो गए, टीचर बन के सिस्टम में बैठ गए तो ये सवाल करेंगे। वो मानसिक गुलामी जो है ना वो करवाना चाहते हैं, जो उनके दिल में और जहन में बहुत अच्छे से है, वो उन लोगों को वहीं रखना चाहते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते हैं। वो प्रोजेक्ट क्लियर है। हाउ दिस गोइंग टू अफेक्ट पीपल फ्रॉम लेट्स से ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, वी वुड से दैट वेल अगेन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डू अवे with the constitutional provision of reservations, huh? It doesn't make any kind of provision for reservation. It is again going to be very unjust for people who belong to tribal communities. जो फीस नाम मात्र की थी
तो हम लोग अपनी पीढ़ियों के पहले लोग हैं जो पढ़ करके यहाँ तक आ पाए। हमारे जैसे बच्चे जिनकी पहली जनरेशन हायर एजुकेशन में आई, फीस महंगी होते ही वो पढ़ाई से बाहर हो जाएंगे। टीचिंग को लेकर के अब जो मामला था कि कुछ बच्चे पढ़ करके जब प्रोफेसर बनने के लिए आए तो उन्होंने परमानेंट अपॉइंटमेंट ही बंद कर दिया, तो 70-30 हेफा में ये बना दिया कि हम लोन देंगे हायर एजुकेशन को, लोन चुकाने के लिए इंस्टीट्यूट बताए फिर उसे हम लोन देंगे। इस सब का प्रावधान ये था कि छात्रों की फीस महंगी हो जाए, परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद करके कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएं, ये पॉलिसी बनाई गई थी। It is our university.